तो गाइस बच्चे देखो कितने खुश है देखो। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग के साथ सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 और नहावा के एकदम तैयार हो चुके हैं और बच्चों को घुमाने के लिए लाए हैं गांव से थोड़ा दूर। इधर है हमारा गांव, देखो इधर गांव है और इधर जंगल है गाइस, इधर जंगल है। तो हम जंगल की तरफ आए हैं बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चे है ना सुबह से उठ रहे थे। सनाया गुड मॉर्निंग बोलो। और गाइस देखो साहिबा भी तैयार हो चुकी, नहावा के एकदम जल्दी से उठ गई थी। बच्चे जब जल्दी से उठ जाते हैं ना दुकान पे जाने नहीं देते मेरे को, दुकान से पहले मेरे को इनको कहीं ना कहीं घुमाना पड़ता है आसपास। तो मैं अभी ना इनको थोड़ा दूर लेके आ चुका हूँ, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ का प्यारा सा व्यू है दोस्तों, इधर पहाड़ पट्टी है, जंगल है, इधर आप देख सकते हो बादल छाए हुए है और बरसात होने वाली, हालांकि हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही थी, अभी बंद हुई है दोस्तों। और गाइस इधर हमारा गांव है, ये देख सकते हो, आपको टंकी दिख रही होगी, इधर स्टेडियम वगैरह है, स्कूलें हैं, बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर आके, है ना। तो गाइस बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है, बच्चे खुश होते हैं तो हमको भी खुशी महसूस होती है, क्यों सनाया? हाँ। तो अभी चलेंगे यहीं घूमेंगे? मस्ती करेंगे। हाँ। तो थोड़ी देर और मस्ती कर लो। तो गाइस इनको थोड़ी देर और यहाँ खेलने देते हैं, उसके बाद इनको घर पे छोड़ेंगे और मेरे को खोलना पड़ेगी दुकान। गाइस ये तालाब मैंने आपको परसों वाले व्लॉग में दिखाया था, ये तालाब के पास गए थे हम, बहुत सारा पानी वहाँ पर जमा हो चुका है। इधर हम जाएंगे कुछ दिन बाद गाइस, ये पहाड़ घूमने के लिए जाएंगे। तो इधर क्या है, एक माता जी और एक बच्चा पोटली लेके बैठे हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ भैया क्या हो गया, क्या चाहिए? पिसवान है कि बेचने? पिसान है। तो कहाँ से आ रहे तुम? गाइस ये है ना, अच्छा अच्छा, तो ये है ना पिसवाने के लिए जा रहे हैं, मतलब मक्की पिसवाने के लिए जा रहे हैं, जंगल से आए हैं ये, इधर मतलब इधर से आए हैं और पैदल आ रहे हैं बहुत दूर से, क्यों? तो इनको ये काम करते हैं कि ये थैली एक और एक ही है, और ये लड़के को मैं बिठा लूँगा साथ में और इनको चक्की तक छोड़ दूँ, है ना, ये माता जी पैदल आ जाएंगे, या फिर इनको बिठा लूँगा, ये बच्चा पैदल आ जाएगा, मैं बच्चों को बुलाता हूँ और इनको छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी इनको यहाँ से बहुत दूर तक जाना है, यहाँ से बहुत दूर जाना है अभी इनको पैदल। तो एक काम करता है कि दो पोटली रख लेंगे और ये बच्चे को बिठा लेंगे और इनको छोड़ देंगे चक्की तक। आए बस आना यहाँ, चलो चलो आ जाओ। तो अभी ना मैं बैठ जाता हूँ, दोनों बच्चों को आगे बिठा लिया, अभी मैं बैठ जाता है ना। सब तो है ना अभी पोछा लगा रहा है, देखो निकलो अंदर निकलो, धीरे से चप्पल यहाँ उतार दो। तो गाइस घर तो आ चुके हैं और अभी साहिबा ट्यूब लगा रही है, देखो यहाँ साहिबा को पता नहीं क्या फुंसी फुंसी हो गई थी, अभी ट्यूब लगा रही है उसके हाथों से लगा दी, हमको लगाने नहीं देती दोस्तों है। और अभी तो दोस्तों अभी खाना बनने लग गया, ये है आटा और ये बन रहे है करेले, करेले की सब्जी जिसकी खुशबू बहुत ही प्यारी प्यारी आ रही है दोस्तों। बोल तो कड़वा कड़वा करेले, बोल तो बोल तो सुना, कड़वा कड़वा करेला बोल लिया, तू बोल तो तू बोल तो तो ठीक है गाइस, ये है मेरी दुकान की चाबी, अभी निकलता हूँ मैं दुकान के लिए। किसको रहा? सही साइड बताना, भुट्टे कितने का मिलते? तो दोस्तों अभी हमारी दुकान के सामने भुट्टे वाले भाई साहब आए हैं
जो कि भुट्टे सेक के बेच रहे हैं, और ये भुट्टा है 10 रुपये का एक। काम करते हैं कि एक भुट्टा ले लेते भाई साहब से, ये वाला दे दो यार, इनको पैसे दे दिए हैं, दो जगह छोड़ते हैं तब बता देते हैं, और इन्होंने डॉलर दे दिए हैं। देखो ये कितने डॉलर हुए, ये कितने डॉलर है, 10 डॉलर 40 डॉलर है। इसमें से ना आधा भुट्टा उम्मू दे देता लो, उपास है भाई, उम्मू का उपास। चेन टाइट करना, तो इसकी साइकिल की चेन टाइट कर देते हैं, बहुत ही ढीली लग रही है ये। चलो टुकड़ा पगड़ने में चाय है, पगड़ने एक चाय, एक चाय, चाय चाय दादा को चाय पिलाई जाए, और पानी भी ना, पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया, चाय इतनी पिलाई जाए, पियो 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 चाय पियो। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त आने वाली है, तो उसके जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है, सरकार भी तैयारियां करवा रही है बहुत सारी, और अभी एक अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हर घर पे तिरंगा लगाना है, तिरंगा लहराना है। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ आज कि एक तिरंगा लेता हूँ और घर पे आज तिरंगा लहराऊंगा, तिरंगा लगाऊंगा। तो गाइस बड़ी खुशी होगी, पहली बार मैं अपने घर पे तिरंगा लहराऊंगा, और दोस्तों ये अभियान से आप सभी को जुड़ना है तो मैं भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल एक शॉप पर जाता हूँ और तिरंगा ले लेता हूँ। हाँ भाई साहब, हाँ एक तिरंगा दे यार। हाँ ऐसा कैसा लगाना है ना, ठीक ऊपर व्हाइट वाला नीचे, ठीक बीच में और हरे वाला नीचे, ठीक है भैया। इस तिरंगा तो ले लिया है, अभी जाते हैं घर और घर पे लगा। खोल के देख और ये तो ब्लू फुगा रहे हैं। तो गाइस बच्चे देखो कितने खुश है, देखो छत पे, चलो 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 चलो। दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि एक चुग्गा ले लेता हूँ और कुछ तार ले लेता हूँ और एक लोहे की सरी या फिर लकड़ी ले लेता हूँ, और अच्छे से झंडे को मैं बांध देता हूँ, ऊपर होगी लकड़ी या लोहे की सरी। बच्चे ऊपर जा चुके हैं, ये रहा, और हमारे साथ में रुपेश भी है दोस्तों, ये रहा रुपेश। तो दोस्तों झंडे को कुछ इस तरीके से लगाना है, और एक बात का ख्याल रखना है कि जो तिरंगा है हमारा वो जमीन पे नहीं जाना चाहिए, ऊपर के ऊपर रहना चाहिए, जमीन पे मतलब गिरना नहीं चाहिए, और झंडे को उल्टा भी नहीं लगाना है, सीधा लगाना है, बड़े ध्यान से लगाना है और इज्जत के साथ बिल्कुल झंडे को लहराना है। ये हमारे रुपेश भाई ने झंडा सरी में डाल दिया है, अभी यहाँ पर तार बांधो एक, ये रहा चुग्गा। देश की शान है और इसको बिल्कुल समझदारी के साथ और बड़े सावधानी के साथ लगाना है, कोई गलती नहीं करना है। दोस्तों पहले क्या था कि पहले एक ऐसा नियम था कि ये झंडे को है ना शाम को मतलब कि अंधेरा होने के बाद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब नियम बदल गए हैं, अब कभी भी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा झंडा हो चुका है तैयार, और अभी हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे को सजा, ताली बजाओ। अभी
फिर हम क्या करते हैं कि वहां पर बांध देते हैं। चलो 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 बांध दे। तो इस तरीके से यहाँ बांध देते हैं ना। तू कहाँ है? तू गला मतलब बड़ा चुगा। अरे तू इतना मतलब घर आम सा। अपन ये तार। और चुगा भी ला। चुगा भी ला। ये रहा गाइस चुगा। तो फाइनल गाइस हमारा तिरंगा लहरा गया है हमारे घर के ऊपर, देख सकते हो आप। और कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और बच्चे बहुत खुश है देखो। ये देखो मस्त लग रहा है दोस्तों। उधर मेरा भाई ने भी लगा दिया एक तिरंगा, ये देखो यहाँ पर। ये गाइस झंडा लगने की खुशी में मुंह मीठा कर रहे हैं, वो भी सेब के साथ। साहिबा को खिला देना। हाँ, साहिबा को मैंने आपको खिला। साहिबा भी आ गई, साहिबा को भी खिला। साहिबा डबल खाएगी, साहिबा मुंह मीठा कर ले। ये और दोस्तों इस वीडियो का एंड करने का टाइम भी हो चुका है, क्यों सुनाया? हाँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा गाना गाना चाहता हूँ। आज मेरा मन हो रहा है कि एक गाना गाऊं देशभक्ति का। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। कि आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।